फास्ट को कंटिन्यू करती है, अगर यूरिन कीटोन बढ़ जाता है तो मैडम की जो सेहत है खराब हो सकती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम रहुआ सबके। ऐसा बुझात बा गर्मी जान लई के मानी, और अगर ई गर्मी के प्रकोप से एक बार मने जिंदा बच भी जाए ना, तो आपियन के ड्रामाबाजी से कैसे बची रे बाबा, कतई कतई ना बच सकी भाई। पिछले 4 दिन से एगो नया खेला होत बा दिल्ली में। ना 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 ना, ना। कौनो आत्मा नहीं भटक रही है भाई, ना कौनो चिट्ठी आ रही है, ना कौनो अपने माई बाबूजी का लसर घंटी बना के घसीट रहा है, कौनो उपवास 11 बजे वाला नया चालू हो रहा है भाई। सरजी तो एकदम शांत हुआ, मजे से कूलर में बैठल हुआ। हमके तो लगत बा कि केहू के अब पढ़लो ना बा कि का करत हुआ, मतलब वजन कितना घटल पहले से, और शुगर के लेवल कितना फड़फड़ात बा, कीटोन लेवल कहाँ जात बा, कैंसर कौन स्टेज पे पहुँच गया बा, केहू के कौनो मतलब ना बा, सब एकदम शांत। खाली अपन जो वज्रदंती दीदी हैं उहे लाइम लाइट में हैं ये समय उहे। पानी पानी रे, खारे पानी रे, नैनो में भर जा, नींदे खाली कर जा। भाई दिल्ली वालों की आंखों का पानी सुखा दिया है और नींदे तो खाली कर ही दी है अपनी छई छप्पा छई गर्ल ने। जी हाँ दोस्तों, ये जो अपनी छई छप्पा छई दीदी हैं जो नंसल पे बैठल हैं, इनके मुद्दा का बा है कि दिल्ली का जल संकट। ठीक, हरियाणा से अतिरिक्त पानी के मांग के लेके दिल्ली के जल मंत्री आतिशी बातिशी दीदी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा नहीं। समस्या इनकर जौन है तो हम आपके बता देने हैं कि ये कुछ 25-28 लाख लोगों के लिए पानी दिलाने के लिए ये अनशन पर बैठी हैं, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं, और समय समय पर हेल्थ बुलेटिन भी जारी होत बा। और जो इनमें पूरे अनशन में जे इनके साथ बैठत बा, जैसन स्टेज बा, जैसन ड्रामा बा, वो तो एक अलग गप बा। जो सबसे बेहतरीन किरदार है इस पूरे ड्रामे का, वो तो भैया डॉक्टर साहब हुआ। मतलब इतने आला दर्जे का साइंसदान हुआ कि रक्तचाप, गोटी चाप, नली चाप, ये सब चाप नापे के बाद कीटोन लेवल वही मशीनिए से नाप के बताओ देते हुए उन्हें खून नापे, खून के जांच करे कोनो जरूरत ना पड़त बा। मतलब आपको न यकीन आ रहा है तो आप ये वीडियो देखिए जरा इनका। लेकिन जो आज का बीपी है 125/56 है, यानी कि डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर वो कम हुआ है पहले से, और जो शुगर लेवल है फर्स्ट डे 99 था, सेकंड डे 83 और आज का 73 है, और जो यूरिन कीटोन जो कि मोस्ट खतरनाक जो डेंजरस बात होती है यूरिन कीटोन किसी भी उसके लिए स्टार्वेशन के लिए, पहले 2 दिन यूरिन कीटोन नेगेटिव था लेकिन जो आज है यूरिन कीटोन पॉजिटिव आया है। यानी कि मैम अगर इस फास्ट को कंटिन्यू करती है, अगर यूरिन कीटोन बढ़ जाता है तो मैडम की जो सेहत है खराब हो सकती है। भैया आप लोग किस प्रकार से हेल्थ बुलेटिन पढ़ल जात रहल, हाँ सब बताओ ना, ये ये ये, लेकिन जो मेन चीज रहल तो उन भुला गई ना, कीटोन लेवल। तब आतिशी दीदी बुलौली नीचे उन्हें कि भाई ये बताइए इन्हें, तब बताओ ना भाई तुम कहाँ से लाया ऐसा मुन्ना भाई MBBS, हाँ अरे हटा दे भाई इसको, इतना जान लेकर मानेगा, और ऊपर से ये जो तुम्हारे अनशन स्थल का इंतजाम है ना, वो तो देखने लायक है। 4 गो कूलर चल रहा है, अब हमके ई ना बुझात बा कि वो कूलरवा जो है पानी से चलत बा कि नीट चलत बा, हाँ। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ई बा भाई कि यदि पानी के किल्लत बा तो ये जो टैंकर माफिया हैं इन्हें पानी कहाँ से मिलत बा। देखिए भाई सवाल तो हमारे लगे कई गो बा, ठीक है, और जनता के भी सवाल बा। सवाल नंबर एक, ये जो वज्रदंती दीदी हैं इनके पास 9 गो मंत्रालय बा, 9 गो मंत्रालय, लाखों की सैलरी उठावत हुई हैं, लेकिन सर झटक झटक के खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ली और सारा दोष केहू ना केहू पे मढ़ दे ली। तो भाई तुम कुछ काम करो ना जिस बात का पैसा मिलता है, मतलब गजब तिलिस्मी औरत है भाई तुम, गजब। दूसरा सवाल, अपने आप के ये लोग भगत सिंह के समकक्ष वाला क्रांतिकारी बतावे नहीं, ठीक है ना, सब ये आपके जितना इनके हुआ पाटीदार ये सब भगत सिंह के समकक्ष के क्रांतिकारी होंगे। तो भाई वो तो गोली फांसी केहू से ना डरा ना, और तुम कीटोन लेवल से डरा गई ऐसा कि मतलब आज तो अस्पताल ही चली गई है ये, ठीक है। और टाइम टाइम से गायब हो जाली दत्कर्णो दीदी, कहाँ जाली, जो धरना स्थल है अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल है तो सुबह से लेकर शाम तक आपको वहाँ रहना चाहिए। सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट टाइम हो जाता है, दोपहर में 2 बजे लंच टाइम हो जाता है, रात में डिनर टाइम हो जाला, ये गायब हो जाली टाइम टाइम से। अगला सवाल, आदरणीय राघव जी जे लंदन में रहला अभी तक, आँख बनवावे गल रहना, ठीक है, आग लगे बस्ती में, राघव चड्ढा अपनी मस्ती में, ऑल आइज ऑन चड्ढा, वेयर इज ही। और आखिरी सवाल रउआ सबसे भी पूछत हैं, चलिए बतावल जाए कि
के बड़ा नौटंकी बाजवा अपने दतुल्ली दीदी कि कजरुद्दीन भाई, ठीक है। हमारे हिसाब से तो कजरुद्दीन भाई ही हुआ। कजरुद्दीन भाई के पैर के जो छोटकी उंगली के जो छोटका नाखून होला ना, वहू के बराबर ना ही बज्रदंती दीदी। चलिए बढ़ल जाए दूसरी खबर की तरफ। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में संसद के पहले सत्र की शुरुआत काफ़ी धमाकेदार होए वाली बा। मतलब दोनों तरफ से खंजर खिंच चुकल बा। संसद सत्र आज से शुरू हुई। ऐसे पहले ही कल ही इंडिया गठबंधन के सभी सांसद जो हैं गांधी प्रतिमा के सामने इकट्ठा होके संविधान के किताब ऐसे ऐसे मतलब विरोध प्रदर्शन करत रहना, प्रदर्शन भइल लहरावत रहना। भाई गजब के दृश्य रहल, गजब के। मतलब खाली मैदान बदलल बा, रवैया उहे बा, मतलब उहे पुरान रवैया बा। ना कोनो गंभीरता हमके नजर आवत बा ओमे, और ना कोनो ओमे सकारात्मकता नजर आवत बा। भाई ई उ लोग हुआ, और आज का दिन तो और ज्यादा प्रासंगिक है। काहे से कि आज ही के दिन उरहल, 25 जून के दिन उरहल, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, ठीक। पूरे देश को बंदी खाने में बदल दिया गया था। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये वाली खबर चलाई गई थी। और उन्हीं के लोग, उन्हीं के पाटीदार अब संविधान की प्रतियां लहरावत हुआ। और हमके ठो कहावत याद आवत बा, 900 रैट्स खाने वाली कैट्स बन गए हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और इनसे परिपक्वता के उम्मीद करब, इनसे ई उम्मीद करब कि इनके अंदर कुछ सकारात्मकता आ जाए, ई बेकार है। जौन व्यक्ति पुलवामा के शहीदों को रिसीव करने के समय मोबाइल देखत रहन खटाखट खटाखट खटाखट, उससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। झूठ बोले में खटाखट खटाखट, ठीक, खटानट खटाखट नंद बाबा तो हैं हम ये। और जेका जेका कहले रहना, झूठा वादा कहले रहना, फार्म बटले रहना कि 8500 खाता में आएगा सीधे, अब जब सब मांगत बा निकल लेना लल्ला, सटासट सटासट सटासट, बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। और इनके लगे टाइम भी नहीं है भाई। तमिलनाडु में जो मुद्दा हुआ है, मतलब अवैध शराब से पीकर लोग मर गए हैं, और वो मतलब आंकड़ा पार ही होता जा रहा है, 100 के पास होने जा रहा है, उस पर बोलने का इनको टाइम नहीं है। खाली संविधान के प्रति लहराएंगे, ठीक है। बहुत बिजी हुए भाई, ऊपर से गांजा का फैक्ट अलग से भाई इनके ऊपर। और दूसरी तरफ जो उन गाली वाली आंटी हैं यहाँ पर, एकदम नकुआ दे लें भाई, जीव एकदम नकुआ दे लें। रउआ सबके बता ही दें कि जितना पैसा में तुम लल्ला को ब्रांड बना रही हो, उतना में तो छोटा मोटा देश चल जाए। लेकिन हाय रे तोरा खोटा सिक्का, चले नहीं पा रहा है। ऊपर से इतना तारीफ के पोस्ट, जन नायक हैं तो न्याय योद्धा हैं, न्याय योद्धा हैं, भाई साहब देखा ही नहीं जाता। मतलब एक पोस्ट हम बताओ थे, हम एक्सपर्ट देख ली इनकर कि यूं ही कोई जननायक नहीं बन जाता। और उनकी वो तस्वीर जिसमें वो दाढ़ी वाड़ी बना के बिल्कुल एकदम सेक्सी बाबा बने हुए हैं, और उसमें उन्होंने अपने लाल रंग का दिल भी चिपकाया। बस करो दीदी, बस करो। मार्केट में हाय जूता साफ़ करने वाला ब्रूस उपलब्ध है, जीवा से ही साफ़ करना नहीं जरूरी है, ठीक है। मतलब ऑन अ सीरियस नोट मैडम, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जो 50 से ऊपर लोगों की मौत हो गई है, आपका जननायक वहाँ नहीं जा पाया, ठीक है। बोल ना पौनो कुछ, अपन चरखा दत्त जो कवरेज करे के रहल ऊ ना कर पौनी, ठीक है। अंतिम संस्कार में ना रेवीज कुमार और ना अजीत घुबरेला, ये दोनों नहीं, इनका इनका ध्यानो नहीं गए, ठीक है। कैसा जननायक है रे तोरा, हाँ, कोनो जवाबदेही नहीं है एक भाई। वैसे आसान थोड़े है जननायक बनना, कई सारे गुण होए के चाहिए। झूठ बोले के पड़ेला, खास परिवार से होवे के पड़ेला, कि नाम के आगे गांधी, भले फर्जी गांधी लगल हो लेकिन गांधी लगे के चाहिए, ठीक। संविधान हाथ में लेकर बेशर्मी से लहरा कर प्रचार करे के पड़ेला, दुश्मन देश के प्रेम में सरा बोर होए के पड़ेला। अच्छा, दुश्मन देश से याद आया, पड़ोस के देश में का चलत बा हम बताई थे कि वहाँ के जो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हों ना, ख्वाजा आसिफ, वो बतौले हों वहाँ, आज के आज का कन्फेशन एकदम ताज़ा ताज़ा बताओ थी कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, अब अल्पसंख्यक वहाँ के हैं आप सभी जानत हुई हैं, तो धर्म के नाम पर लक्षित हिंसा के शिकार होत हुआ, अनेकों हत्याएं हो रही हैं। और इसके कारण आपको मालूम है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बहुत शर्मिंदगी उठावे के पड़त बा, और विपक्ष चाहत बा कि ए पर ना बोलल जाए। लेकिन हमको क्या करना है भाई, मतलब वहाँ अल्पसंख्यकों के लिए चाहे जो हो रहा हो, लेकिन हम यहाँ पर CAA का छाती ठोक के, मतलब दम भर छाती कुटाई करेंगे, रोएंगे, हम CAA नहीं लागू होने देंगे, ठीक है। तुष्टिकरण ना, तुष्टिकरण ना, तृप्तिकरण के इतिहास रचे के पड़े
पड़ेला अगर तुम्हें जननायक बने हो। बहुसंख्यकों को गाली देवे के पड़ेला। सेकेंड क्लास सिटीजन महसूस करावल जाला कि भाई तुम्हारी यही औकात है। चरण चुंबकों के टोली से घिर कर वाहवाही करावे के पड़ेला। इतना सब करवाए पड़ेला तब केहू जननायक बनेला। बड़ी निर्लजता करे के पड़ेला भाई ऐसे ही केहू जननायक ना बन जाला। और बाकी वो गाली वाली आंटी के कौन मजबूरी है ये हमके नहीं मालूम जो उनके इतनी फर्जी कहानी गढ़े के पड़ेला। भाई जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं। मैं वो दे दूँ तुम्हें वीडियो, वो डॉक्टर वाला एक, वही वीडियो मैंने बोला है कि दिखाने को। और